नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ये दोनों ट्रेंड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपनीज इन्हें इंप्लीमेंट करके अपनी ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब होता है रिलेवेंट और वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना, जिसे ऑडियंस एंगेज करे और ब्रांड के बारे में पॉजिटिव सोचे। कंटेंट मार्केटिंग से कंपनी को उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में जानना और समझना। कंटेंट मार्केटिंग में सच एज ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, इंफोग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल मार्केटिंग और पॉडकास्ट जैसे कंटेंट का फॉर्मेट्स यूज होता है। तो आइए बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के बेनिफिट्स की। आखिर कंटेंट मार्केटिंग के बेनिफिट्स होते क्या हैं? इंक्रीज ब्रांड रिकॉग्निशन, मतलब कि रेलेवेंट और वैल्यूएबल कंटेंट देने से ऑडियंस को कंपनी और उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानना और समझना आता है, जिससे ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ता है। इम्प्रूव कस्टमर एंगेजिंग कंटेंट देने से ऑडियंस को कंपनी के साथ कनेक्ट करना और इंटरेक्ट करना आता है, जिससे कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ती है। हाइयर कन्वर्जन रेट्स, रिलेवेंट और वैल्यूएबल कंटेंट देने से ऑडियंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना और उन्हें अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बेनिफिट्स बताना, जिसे उन्हें परचेज करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग का मतलब हम लोग जान चुके हैं, अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि कंपनी और उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में एक इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग स्टोरी सुनाना, जिससे उन्हें रिमेम्बर कराना और शेयर करना आता है। स्टोरी टेलिंग से ऑडियंस को कंपनी और उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट होता है। चलिए आइए बात करते हैं स्टोरी टेलिंग के बेनिफिट्स की। इंक्रीज्ड ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग स्टोरी सुनाने से ऑडियंस को कंपनी और उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानना और समझना आता है, जिससे ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ता है। इम्प्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट, इमोशनल स्टोरी सुनाने से ऑडियंस को कंपनी के साथ अटैच किया जा सकता है, कनेक्शन बॉन्ड क्रिएट किया जा सकता है और जिससे कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है। इंक्रीज्ड ब्रांड लॉयल्टी, इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करने से ऑडियंस को कंपनी और उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है, जिससे उन्हें फ्यूचर में कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग के कॉम्बिनेशन। कंटेंट मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग के कॉम्बिनेशन में कंपनी के लिए बहुत ही इफेक्टिव और रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट के साथ साथ कंपनी और उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी सुना ऑडियंस को कंपनी के बारे में जानने में और हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि कंटेंट मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग के बारे में इन दोनों ट्रेंड्स का कॉम्बिनेशन करके कंपनीज अपनी ब्रांड रिकॉग्निशन और एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। आप भी अपने बिजनेस में ट्रेंड्स यूज करके अपनी ब्रांड की ग्रोथ देखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।